हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मुझे बहुत अच्छे बता चुका है केबीसी का आज का क्वेश्चन। 18 मई है तो 18 मई का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको सोनलिफ्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पर डाउनलोड करने का, तो वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करिएगा, तो इस तरह का इंटरफेस होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्किप ये ऐड आएगा, इसको स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद आपको आज का क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देख लेते क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना इनमें से किस शब्दों से शुरू होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, द राइट आंसर है हम भारत के लोग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी है द राइट आंसर होगा। आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और यहाँ पर दर्ज करके क्लिक कर देना है। वहाँ दर्ज करने का क्लिक कर देना है, बस आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे फेस आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद। क्या आप अगले दौर के लिए चुने जाते हैं। तो केबीसी की टीम अगले 7 दिनों में आपसे संपर्क है। जी दोस्तों, आप देख रहे थे मैसेज से कैसे सेंड कर। यहाँ पे आपको जाना है केबीसी में, और यहाँ पे आपको मैसेज में जाने के बाद आपको जो केबीसी लिखना है कैपिटल लेटर में लिखना है, और उसके बाद आपका जो आज का जो आंसर है ऑप्शन सी लिखना है, और आपका जो एज है एज डाल दीजिए, और यहाँ पे आप मेल है तो एम और फीमेल है तो एफ और अदर है तो ऑफ डाल दीजिए। और आपको मैसेज भेजना है यहाँ पर जैसा दिख रहा है 509093 पे, और यहाँ पे सेंड कर देना है। और ये तरह आप मैसेज से भी सेंड कर सकते हैं, वहाँ आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब कर अपना ख्याल रखें। थैंक यू।